चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं। खाटू श्याम महाराज मार्ग का भूमि पूजन संपन्न किया गया। आपको जता दूं, खाटू श्याम महाराज मार्ग जो तराली जकात नाका से लेकर के ठाकरा चापाड़ा तक यह मार्ग बनाया जाएगा। इस मार्ग का उद्घाटन सांसद कपिल पाटिल के हाथों संपन्न होना था, लेकिन वो कोरोना के इस महाकाल में केंद्रों के दौरे में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था। प्रतिनिधि के रूप में देवेश पाटिल व सुमित पाटिल वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने पूरी टीम का जायजा लेते हुए और जहां से मार्ग बनेगा उस मार्ग से लेकर के तराली गांव तक उन्होंने निरीक्षण किया और भूमि पूजन संपन्न किया। इस अवसर पर नगर सेवक नीलेश चौधरी, नितेश एनकर जो समाज सेवक हैं, कपिल एनकर के साथ पिपलनेर सदस्य, कपिल एनकर के साथ दिव्या कल्पेश ठाकुर जो सदस्य पिपलनेर ग्राम पंचायत की, वो भी वहां पर उपस्थित थी। ताईबाई गोसावी भी वहां पर उपस्थित थी। समाज सेवक भगवान ठाकुर, एडवोकेट कल्पेश ठाकुर व समाज सेवक शशिकांत ठाकुर, समाज सेवक प्रदीप ठाकुर, समाज सेवक दीपक ठाकुर, पिंपलनेर ग्राम पंचायत के सरपंच व उप सरपंच के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। बता दूं कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम ओपनिंग किया गया, खाटू श्याम महाराज के इस मार्ग को लेकर के वहाँ के भक्तों में जो जोश देखा गया, जिस तरीके से भक्तों ने प्रयास किया था, और खास करके नितेश शंकर, नीलेश चौधरी के अलावा और सहयोगियों ने जो सहयोग किया, उस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि वहाँ की भक्ति भावना को देख करके भक्तों में जो खुशी की लहर थी वो काबिले तारीफ थी। हम आपको लेके चल रहे हैं सड़क उद्घाटन के, भूमि पूजन के उद्घाटन में आपको वह खुशियाँ दिखाई दे रही हैं जो सारे लोगों ने मिल करके इस मार्ग का ओपनिंग किया और उस मार्ग को नए तरीके से बना करके मंदिर तक स्वच्छ और सुंदर मार्ग देने की कल्पना की। चलिए आणि दादा, सुमित दादा पाटील हे सुद्धा खूप प्रयत्न करतात आमच्या गावासाठी कुठलाही कार्य होण्यासाठी। अंतर्गत हा रस्ता मंजूर झालेला आहे, तरी सुद्धा या रस्त्याचं पूर्ण काम लवकरात लवकर व्हावे अशी आमच्या गावकऱ्यांची इच्छा आहे। तसेच बबलू शेठ यांना विनंती करतो, जिल्हा परिषदचा वॉर्ड आहे ठाकराकापाडा गाव, ते ठाकराकापाडा से ताणाली तक लेखी सन्माननीय अपने खासदार आदरणीय कपिल पाटिल साहब से जब मैंने बात की कि ये रास्ते के बारे में, तो अभी ये रास्ता जो कंक्रीटकरण करने के लिए जो फंड चाहिए था वो जिला परिषद के 30-54-50-54 कोई बजट में बैठ नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे ये सीएम जसवाई में इसका फंड मेरे को मंजूर करके दिया। और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जिला परिषद वार्ड का ये लास्ट रोड था, मेन रोड, ये भी अभी कंक्रीटीकरण होने जा रहा है। ये ठाकरा के पाड़ा के जो लोग हैं, इन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, जितना मेरे से ये 5 साल में ये गांव के लिए जितना काम हो सकता है वो मैं कोशिश करूंगा। अभी ये मेन रोड का काम है, 1-2-3 दिन में आदिवासी पाड़ा है उधर पेवर ब्लॉक का काम शुरू होने वाला है। ये ठाकरा का पाड़ा और डोंगराली और पिंपलनेर, ये ग्राम पंचायत के जितने सरपंच उप सरपंच सदस्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, कोई भी पार्टी के पार्टी और राजनीति बाजू में रख के अपने को गांव का विकास करना है, अगर अपने गांव का विकास करना ये सोच गांव के हर आदमी के मन में रहे, पार्टी ये राजनीति बाजू में रख के अपने को विकास करने का सोचे, तो अपने को अपना ध्येय इतना ही रहना चाहिए कि अपना अपने लोक प्रतिनिधि के तरफ से अपने गांव का विकास होना चाहिए। और मुझे बेहद खुशी है कि ये सभी पार्टियों के लोग अच्छे काम के लिए एक साथ है, गांव के विकास के लिए एक साथ है। ये पूरे गांव को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और सन्माननीय खासदार साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में जितने भी आज रोड के काम हो रहे और हुए वो उन्हीं के आशीर्वाद से हुए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये वार्ड के लोगों ने जब मुझे आशीर्वाद दिया उसके बाद आज मैं ये कर पा रहा हूँ।